हे hey मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ लाइफ बाय अमिता पे कैसे हैं आप होप आप सब सब आई होप अच्छे होंगे अपनी 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 फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोग अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं या अमेरिका आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स लाने वाली हूँ इंडिया का ये पहला ऐसा कोर्स होगा जिसमें आपको अमेरिका आने का ए टू जेड सारा डिटेल होगा इंटरव्यू से लेके इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है यहाँ जब आप अमेरिका पहुंच जाओगे A e to Z सारे स्टेप्स मैं कोर्स में बताने वाली हूं और वो कोर्स जल्दी ही पांच-दस दिनों के अंदर आपको लाइव मिल जाएगा इसमें ऐसी-ऐसी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की गई जो कि लोगों को पता तक नहीं है अमेरिका आने के बहुत डिफरेंट टाइप के वीजा हैं अगर मैं बताऊं तो लिटरली A लेटर से लेकर Z तक बहुत सारे डिफरेंट वीजाज हैं लोगों को पता ही नहीं है इन सब के बारे में और आप किस वीजा पे कौन से आके काम कर सकते हो ए टू जेड में डिटेल आप लोगों को अपने कोर्स में देने वाली हूँ ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कोर्स दो टाइप के हैं एक कोर्स में मैं आप लोगों को दो कॉल असिस्टेंस भी दूंगी यानी कि दो बार आप लोग मुझसे कॉल पे भी बात कर पाओगे तो उसकी अनाउंसमेंट मैं इंस्टाग्राम पे कर दूंगी अगर आप सब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे कर लेना मेरी आईडी है फिट लाइफ बया तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे थोड़ी दुखद बात है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर जो मैं चीजें शेयर करने वाली हूँ वो समझना लास्ट फ्राइडे की बात है यहाँ अमेरिका में बाल्टीमोर काउंटी एक जगह है वहां तीन इंडियंस की मौत हो गई और वो तीनों इंडियंस एक ही फैमिली के थे हस्बैंड वाइफ और उनका छह साल का बच्चा आई एम नॉट श्योर की आप लोगों को न्यूज कितना पता है पर अगर नहीं पता है तो जानिए समझिए और ये घटना क्यों हुई ये पूरा हम समझने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को मैं ऐसी कुछ चीजें बताने वाली हूं जिससे आप लोगों को सीख मिलेगी तो बात करते हैं ये इंसिडेंट क्या था तो इसे बैल्टीमोर पुलिस ने बोला है डबल मर्डर सुइसाइड इसका मतलब ये होता है कि किसी एक इंसान ने दो लोगों को मारा और उसके बाद अपने आप को मार दिया इसीलिए इसे कहते हैं डबल मर्डर सुसाइड लास्ट में उस बंदे ने सुसाइड कर लिया थर्टी सेवन इन का योगेश नागर और उनकी जो वाइफ थी प्रतिभा अमरनाथ वो भी थर्टी सेवन ईयर्स की थी और उनका छह साल का एक बेटा था और पुलिस ने ऐसा बोला कि जो योगेश थे जो कि बेसिकली जो फादर थे बच्चे के हस्बैंड थे वो बंदी के उन्होंने अपनी बीवी को मारा अपने बच्चे को मर्डर किया और उसके बाद उन्होंने सुइसाइड कर लिया खुद को मार लिया मैंने इस पे रिसर्च किया मैंने देखा क्या हो सकता है क्यों ऐसी हालत में वो पहुंचे कि उन्हें ऐसा करना पड़ा मैंने उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखी और मेरे पास लिंक वगैरह सारा है बट मैं शेयर नहीं करूंगी पब्लिकली अब वो दुनिया में नहीं रहे तो मैं नहीं चाहती कि चीजें शेयर करूं कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ उनकी फेसबुक प्रोफाइल से उनके लिंक प्रोफाइल से उनकी अच्छी जॉब थी मुझे ये भी पता चला फेसबुक प्रोफाइल पे उनकी पिक्चर्स थी फैमिली के साथ खुश लग रहे थे वो तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ऐसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी और इस कदर वो डिस्टर्ब थे कि उन्हें अपने बीवी और बच्चे को मारना पड़ा एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ भी आप जब अमेरिका आने के सोचते हो या इंडिया में ही किसी नई जगह जाने के लिए सोचते हो तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए और अपने माइंड को ये चीज बोलनी चाहिए कि मैं जहां पे भी जाऊंगा जो भी सिचुएशन होगी मुझे स्ट्रांग रहना है मुझे वो सिचुएशन को जीतना है कोई भी प्रॉब्लम आएगी मुझे वो जीतना है तो जैसे अगर आप यूएसए आते हो यहाँ आपको कुछ महीने पांच छह महीने या एक साल तक आपको अकेलापन डेफिनेटली महसूस होगा भले आप परिवार के साथ भी आओ क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं रिलेटिव होते हैं फैमिली होती है फादर मदर सारे लोग होते हैं अपना पूरा परिवार होता है तो आप लोगों से घिरे रहते हो आपको अकेलापन महसूस होने ही नहीं देते लोग पर जैसे ही आप अमेरिका आते हो आपको अकेलापन महसूस होता है आपके दोस्त नहीं होते जो बचपन से लेके आपके इस उम्र तक दोस्त थे वो सारे आपसे छूट चुके होते हैं और इंडिया से अमेरिका का टाइम डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आप फ्रीक्वेंटली सारे से लोगों से बात नहीं कर सकते जब वहां शाम होती है तो यहाँ आपके ऑफिस का काम चल रहा होता है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है तो इससे मैं सीख ये देना चाहती हूँ गाइस की आप कितने

अगर आप किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो उसके लिए थेरेपी ले रहे हो पहली चीजें मैं बोलूंगी ऑफकोर्स आप खुद से ट्राई करो यानी कि अपने दोस्तों से बात करो अपने परिवार से बात करो माँ बाप से बात करो पेरेंट्स तो आपके हमेशा आपके साथ देते हैं वो आपकी बात सुनेंगे समझेंगे दूसरा अपनी हॉबी डेवलप करो मान लो आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो अगर आप अपनी हॉबी में कुछ करोगे हॉबी को परस्यू करोगे तो आपका स्ट्रेस रिलीव होगा ये साइंटिफिकली प्रूवन है मैं जैसे आज क्रिकेट खेल के आई मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से ही क्रिकेट मुझे मत छोड़ दो खेलने के लिए मैं शायद चौबीसों घंटे क्रिकेट खेल सकती हूँ मुझे इतना पसंद है तो ऐसी जो भी आपकी हॉबी है कोई भी हॉबी हो सकती है आपकी रनिंग हो सकती है आपकी कुकिंग हो सकती है मूवी देखना हो सकता है वॉक पे जाना हो सकता है कोई वीडियो गेम खेलना हो सकता है एनीथिंग जो भी आपकी हॉबी है आप उसमें ज्यादा एंगेज रहो तीसरी चीज वॉक करो गाइज जैसे आप नेचर में निकलते हो ना ये साइंटिफिकली ये भी प्रोवेन अगेन कि वॉक जब आप करते हो बाहर निकलते हो नेचर में तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है वो आपके स्ट्रेस को कम करता है तो हर रोज कोशिश करो कि आप कुछ भी हो जाए अपने काम के बाद 20 से 25 मिनट मिनिमम आपको वॉक करनी चाहिए एक तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा ऊपर से आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा रहेगा अगर ये सारा भी आपका काम नहीं कर रहा तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ उनसे बातचीत करो ये साइंटिफिकली प्रोवन है कि जब आप अपना दुख दर्द किसी से शेयर करते हो और वो इंसान आपकी दुख दर्द सुन के आपको जज नहीं करता है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है आपको लगेगा कि थेरेपिस्ट तो मुझे जानता नहीं है इससे सारे दिल की बात कर देता हूँ रिलेटिव को बताऊंगा फ्रेंड्स को बताऊंगा तो वो मुझे जज करेंगे ट्रस्ट मी अमेरिका में ये बहुत बड़ा मैं लिटरली कहूंगी कल्चर है बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिल चुकी हूँ ऑलरेडी वो कहते हैं कि हाँ मैंने थेरेपी ली है वो सब अपनी लाइफ में जबकि अच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं की उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम मैंने पूछने की भी कोशिश की क्योंकि मैं सच बताऊं मैं इंडिया में जब तक थी इनफैक्ट मैं अभी तक भी मुझे डिप्रेशन का मतलब मुझे नहीं पर्सनली समझ आता मुझे लगता है यार

खोने मत दो इस केस में मुझे यही समझ आया कि बाहर के लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि उसकी लाइफ बहुत हैप्पी है फोटोज अच्छी अपलोड कर रहा है बाहर अमेरिका में खुश है बट सोचो वो इंसान कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगा प्रॉब्लम में होगा जो भी चीजें होगा मुझे नहीं पता पर्सनली बट जो पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दिया है उस पर मैं बात कर रही हूँ बट जैसे अगर वो अमेरिका में किसी भी प्रॉब्लम में था तो वो इंडिया चले जाता मान लो जॉब चली गई हो या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है तो आप इस लेवल पे अगर पहुंच गए हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है चीजों से तो आप वापस इंडिया जा सकते हो या वापस इंडिया में अगर आप हो किसी दूसरे जगह गए हो वहां आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो तो वापस आप अपने घर चले जाओ वापस अपने जगह चले जाओ जहां से आप आए हो वहां कुछ टाइम बिताओ खुद के माइंड को रिलैक्स होने दो और उसके बाद आपको जो करना है लाइफ में जहां जाना है उसके बाद जाओ थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करो तो मैं फिटनेस को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को समझाऊं कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए आई होप कि आप लोगों को कुछ सीख मिली इस वीडियो से मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे बाय